अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो फर्स्ट यूज करेंगे। पाकिस्तान ने कल ही यह बताया कि उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। उनके परमाणु बॉम्ब की ताकत पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर चुटकी ली है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को परमाणु बॉम्ब की गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिया है। यूज करेंगे उसकी वजह यह है कि वी कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया इन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। सो इसीलिए पाकिस्तान हर रोज अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है उसको नीचे करता रहता है। भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला भी कर सकता है। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास को आप खा रहे हैं। भारत को पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, पाकिस्तान ने दी परमाणु बॉम्ब की धमकी। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब बिल्कुल तैयार है, हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। आटा महंगा ना हो, उसे सस्ता कर दे, चीनी को सस्ता कर दे। अब एक चीज, हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि मैं जा चुका हूं लाहौर और मैंने खुद चेक किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कितने काबिल हैं। पाकिस्तान ने कल ही ये बताया कि उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। ये पहले से बता रहे थे, पहले से क्लियर स्टैंड था पाकिस्तान का, लेकिन दोबारा उन्होंने रीइटरेट किया। इससे दो दिन पहले ही उन्होंने एक यौमे तकबीर भी मनाया था। वो क्यों मनाया था? वो इसलिए मनाया था ये दिखाने के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अब की बार नो फर्स्ट यूज, पहले न्यूक्लियर वेपन्स दिखाए गए, अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है हमारी, वो दिखाया गया, मतलब हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आने वाले हैं, और ऐसे में जो रेटोरिक था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो रेटोरिक पाकिस्तानी आर्मी को कहीं ना कहीं सता रहा है। अंदर से डरी हुई है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो। पाकिस्तानी आर्मी की मीटिंग थी जिसमें ये रिइटरेट किया गया कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं रखते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान दिखाना ये चाहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब एक चीज, हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि मैं जा चुका हूं लाहौर और मैंने खुद चेक किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कितने काबिल हैं, तो इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से नहीं डर रहा। ये नो फर्स्ट यूज जो है, कुछ कंट्रीज, लगभग सारे कंट्रीज यूज करते हैं, हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही बहुत कम के पास। रशिया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स आए थे, अमेरिका फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है। साथ में रशिया उसके पास दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर उसी के पास आए थे, वो भी फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है। साथ में यूके भी रखता है और पाकिस्तान भी रखता है, नॉर्थ कोरिया भी रखता है। अब इस पूरे में अगर हम देखें तो क्या ये फर्स्ट यूज पॉलिसी काम आती है? रह गए कौन से कंट्रीज जिन जो नो फर्स्ट यूज रखते हैं? इंडिया, चाइना और फ्रांस। ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है, इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या है ये पॉलिसी, मतलब फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, दोनों जुड़ी हुई है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये बोलती है कि हम, हमारी किसी भी कंट्री से लड़ाई हुई तो हम न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले यूज नहीं करेंगे, मतलब दूसरा कंट्री यूज करे तो हम रिटेलिएशन में उस पर मार सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। अब ये फर्स्ट यूज पॉलिसी ये है, ये डराने वाली पॉलिसी होती है सामने वाले कंट्री को कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं और आपसे पहले मार सकते हैं। अब इसमें एक एक जैसे बोलते खतरा बना रहता है हमेशा सामने वाले कंट्री, क्योंकि एनिमी कंट्री है, वो भी डरा रहता है कि यार ये न्यूक्लियर वेपन पहले यूज कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि करगिल वॉर के टाइम पे भी फर्स्ट यूज पॉलिसी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान को विड्रॉ करना पड़ा। अच्छा, सीजफायर नहीं हुई थी करगिल वॉर में, सीजफायर नहीं हुई थी, पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा था अपने फोर्सेस को, क्योंकि उसको पता लगा था कि यहाँ हारना पक्का है तो विड्रॉ कर लो, तो इंडियन तरफ से, इंडिया की तरफ से फायरिंग कंटिन्यू कर रही थी, तो उसमें पाकिस्तान के ज्यादा सैनिक मारे गए थे। ऐसे टाइम पे भी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए, ये बहुत क्लियर है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम 1982 के आसपास का है। एक्यू खान ने जब उन्हें पकड़ के जेल वेल में डाल दिया, तो उन्होंने खुद बताया कि 1982 में 50 किलो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम भेजा था चाइना ने, और साथ में एक ब्लूप्रिंट, कागज के मैप्स भी भेज दिए थे
कि ऐसे बनाना है, तो बनाने का तरीका मिल गया और बनाना भी है, जिससे बनाना है वो भी मिल गया, मतलब लेके चलते हैं 1982, 83, 84 तक या 85 तक उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। 1986 में जब ब्रास टैग हुआ था तब ये बोल दिया गया था, इसी एक खान ने, इन्हीं एक खान साहब ने बोला था कि भाई हमारे पास वो है, न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान करगिल वॉर में आमने सामने आए, पालाकोट में आमने सामने आए, लेकिन ये फर्स्ट यूज पॉलिसी चली नहीं। हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स इन कंडीशंस के अंदर। अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत नीचे कर दिया है, लेकिन इंडिया उस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो कहता कोई टेंशन नहीं है, फिर की हो गए, असं करांगे जो साडा दिल कीता असं करांगे, हम तो हम वो घुसके मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? सो ये चीजें जो है, जिसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक एक फैक्टर है, ठीक है जी। भारत जो है, पाकिस्तान समझता है कि भारत के मुकाबले में अगर हमने अपनी फर्स्ट यूज पॉलिसी ना रखी तो शायद अमन ना आ सके। मींस कि हम ये अलाउ ही नहीं करते इंडिया को कि वो मामलात को खराब करे, हम खुद चीजें अपने कंट्रोल में लेंगे। दिस इज व्हाट पाकिस्तान बिलीव, ठीक है जी। अब पाकिस्तान को जारी बात है, प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो रिलायंस है फॉर डिटेरेंस, दैट इज ओनली इन वो जैसे कहना न्यूक्लियर डोमेन में। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटेरेंस को इतना सीरियस नहीं लेता। अदरवाइज 2016 और 2019 में जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, वो कहते हैं स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान कहता है नहीं की, लार्जली क्योंकि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी तो इंडिया बहुत आगे है। इसलिए पाकिस्तान में बात की जा रही है क्रॉस डोमेन डिटेरेंस, जिसमें यह है कि आप जो है डिफरेंट कैपेबिलिटीज का सहारा लेते हैं, डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स को आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, साइबर वॉरफेयर है, एंटी सैटेलाइट है, स्पेस बेस्ड वेपन्स हैं, और ये जो है इसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन है कि अब पाकिस्तान को क्रॉस डोमेन डिटेरेंस में जाने की ज़रूरत है। अगर हमने नए मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एक्वायर ना की, साइबर वॉरफेयर या एंटी सैटेलाइट जो वेपनरी हासिल ना किया, स्पेस बेस्ड वेपन्स हमने ना हासिल किए, तो हमारे लिए मसले होंगे। अब इंडिया के पास क्या है, इंडिया बेसिकली नॉन मिलिट्री कोर्सेस ऑप्शंस भी रखता है, पाकिस्तान के पास ऐसे नहीं है।